वेलकम आज मैं हाई लेवल कैशलेट डीआई के साथ आपके सामने आया हूं एस बी और आई बी पी एस पी ओ मेन के लिए टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ट इस कैशलेट डीआई में आपको बहुत मज़ा आएगा बहुत शानदार है आइए हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं शुरू करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ें समझें मैं इसे डिटेल एक्सप्लेन भी करूंगा ये इंफॉर्मेशन बड़े साइज में लिखा गया है लेकिन जब इसको सॉल्व करना होगा तो स्मॉलर फ़ॉन्ट में करके तब हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि तो सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए बायलैंग्वेल है आइए पढ़ता हूँ देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ उसमें और एग्ज़ाम में सॉल्व करने में अप्रोच में अंतर है क्या डिफरेंस है तो एग्ज़ाम में आप रफ पेपर पर सेंटेंस का वन से टू लाइन पढ़ के फ्रेम करते हैं और फिर बनाना शुरू कर देते हैं ऐसा नहीं करते कि शुरू से अंत तक पूरा पढ़ें तो टाइम वेस्ट होगा लेकिन यहाँ पर चूंकि मुझे समझाना है तो मैं कहता हूं एक बार आप बढ़िया से पढ़ लीजिए इंग्लिश में भी हिंदी में भी डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव के लिए है रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एक लुक तो होना चाहिए लेकिन वो पहले दो सेंटेंस वन से टू सेंटेंस में समझ में आ जाना चाहिए पर्सनस एक्स वाई एंड जेड विस्ट टू गो फ्रॉम प्लेस पी टू प्लस क्यू विच आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ सेवेंटी किलोमीटर तो एक बात तो तय पी एंड क्यू टू पॉइंट हैं डिस्टेंस एस सेवेंटी किलोमीटर रैक्स वाई जेड पी से क्यू की ओर जाना चाहते हैं तो आपको एक डायरेक्शन नजर आ गया हल्का सा थोड़ा सा दो चार वर्ड अभी और पढ़िए All the three persons start off together from P. तो अब आगे नहीं पढ़ना है फ्रेम हो गया तुरंत क्योंकि अगर आप आगे पढ़ते हैं तो जो अब तक पढ़े वो भूल जाएंगे और अब तक जो पढ़े हैं, इससे फ्रेम हो चुका है पी एन क्यू बना लिया जाए सेवेंटी किलोमीटर का डिस्टेंस हो पी से चलने को तैयार एक्स वाई जेड तीनों इसके बाद पढ़ेंगे आप इसको एक बार डिटेल पढ़ लीजिए फिर मैं थोड़ा स्मॉलर फ़ॉन्ट में लिख करके सिर्फ इंग्लिश में लिख करके इसमें बात करूँगा थोड़ा और छोटा कर दूँ ठीक है आप पढ़ चुके हैं डिटेल अगर नहीं पढ़ें तो एक बार और देख लीजिए ठीक है इसको देख लीजिए लेकिन सॉल्व करते समय हमारे पास स्पेस होना चाहिए तो हमने ये बनाया ठीक तो एक बात तो तय है हम लोग इसको बनाएं P टू Q ये चलना शुरू करते हैं यहां से बनाए देखिए ये पॉइंट P है ये पॉइंट Q है ठीक है तीनों चलना शुरू करेंगे सेवेंटी किलोमीटर का डिस्टेंस है ये तो तय है अब एक्स वाई जेड चलना शुरू करते हैं वो बात तो सही है पर कैसे तो आगे आइए ऑल द थ्री पर्सन स्टार्ट ऑफ टूगेदर फ्रॉम पी विथ एक्स एंड वाई गोइंग बाई बाइक एट ए स्पीड ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर तो एक्स और वाई ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं लिखता हूं लिखता हूं एक्स ड्रॉप्स वाई क्योंकि जेड का नाम अभी तक आया नहीं तो थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि ऑर्डर मैंने रखता है बनाने के ख्याल से एक्स एक्स वाई दोनों चले वे अलॉन्ग रिटर्न टू पिकअप जेड तो चूंकि एक्स ही वापस आके जेड के पास जाता है तो हम पहले यहां पर वाई लिखना पसंद करेंगे यहां से ये चलता है इसके बाद एक्स लिखना पसंद करेंगे और इसके बाद जेड लिखना पसंद करेंगे ठीक है लेकिन थोड़ा सा स्पेस हम लोग इधर करते हैं आइए एक्स लिखना पसंद किया यहां से ठीक देखिए फ्रेमिंग में क्या होता है चले तो तीनों है ये दोनों बाइक से चले हैं कहीं जाके छोड़ा जाता है कहीं जाके छोड़ा जाता है मान लीजिए कि यहां तक चले यहां तक चले ट्वेंटी किलोमीटर ऐसे करते हैं यहां तक चले ठीक तो ये भी तो यहां तक चला ना ये भी तो यहां तक चला स्पीड क्या है ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर इसका भी स्पीड हुआ ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर क्योंकि ये बाइक से चले हैं अभी जेड के बारे में मालूम यहां तक पहुंचते हैं ओके और फिर ये बैक होता है फिर ये यहां से बैक होता है देखिए फिर ये यहां से बैक होता है देखिए जब ये बैक होता है तब तक, तक तो जेड भी चल चुका है और ये भी तो चलता रहेगा ये बात तो है ये बैक होता है आगे क्या है देखिए वे एंड रिटर्न टू पिकअप जेड हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स क्यू एट ए स्पीड ऑफ फाइव किलोमीटर पर आवर ये फाइव किलोमीटर पर आवर से चलना जारी रखता है जल्दी बताइए ये फाइव किलोमीटर पर आवर से चलना जारी रखता है फाइव किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है क्योंकि ये पैदल चलता है ये दोनों तो बाइक से गए थे अब चूंकि वापस आने की बात हो रही है वापस आने की बात हो रही है तो आप ज़रा गौर कीजिए ये कहीं आएगा इस बीच लेकिन इसके पहले एक बात सुनिए एक बात समझिए को so, नोट करना जरूरी है जब ये दोनों यहां पहुंचते हैं तो ये भी तो कहीं पहुंच चुका है ना मान लीजिए यहां पहुंच चुका है क्योंकि ये भी तो कहीं पहुंच चुका है ना मान लीजिए पैदल है तो कम दूर जाएगा यहां तक पहुंच चुका है ठीक है इसके बाद इसके बाद देखिए होता यह है कि ये दोनों कहीं मिलते हैं? ये दोनों कहीं मिलते हैं? इधर इधर और मिलते हैं। तो कहां मिलते हैं रुकिए कहा मिलते हैं मान लीजिए कि यहां मिलते हैं तो इस बीच ये डिस्टेंस कितना तय होता है यहां तय होता है जल्दी बताइए यहां तक यह ये आए थे ठीक है यहां तक यह ये आए थे अब सुनिए एक साथ तीनों यहां से चलना शुरू किए एक समय में टाइम सेम लगा यहां यहां और यहां है वाई इस पॉइंट पर है एक्स इस पॉइंट पर है और जेड इस पॉइंट पर है और फिर ये जब इधर चलता है तो ये पैदल चलना जारी रखता इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ देखिए इसका मतलब हुआ कि ये चलना जारी रखता है अब अगला पॉइंट क्या है वो सोचिए जब ये दोनों मिलते हैं तो ये भी तो कहीं पहुंचा है तो नेक्स्ट पॉइंट है दिस दिस समान समय में फर्स्ट पॉइंट जो सेम है वो ये पॉइंट है सेकेंड पॉइंट जो है वो ये पॉइंट है जल्दी बोलिए क्लियर अब सुनिए इसके बाद फिर जर्नी ये इसको पकड़ के कंटिन्यू करता है तो आप ऐसे समझिए कि अगली बार यहां से तीनों चलते हैं देखिए और, और और यहां पहुंचते हैं यहां पहुंचते हैं और ये भी यहां से यहां पहुंचता है अब मुझे बताइए कि ये तीनों यहां पहुंचे लगभग एक ही बार ये मैप बनता है क्वेश्चन का ये मैप एक्स ड्रॉप्स वाई समवेयर अलोंग द वे एंड रिटर्न टू पिकअप जैट Who has already started walking walking towards Q at a speed of 5 km per hour? Why after being dropped by starts kilometer per hour? आप देखिए जो चीजें हैं फाइव किलोमीटर पर आवर से यहाँ पर भी चलना शुरू करता है हम बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट ये है ना ये बोल सकते हैं ए वन ए टू और ए थ्री ये समान समय में तीनों है और फिर देखिए हम ये बोल सकते हैं सेम पॉइंट पर देखिए जब ये B1 और ये B2 समान पॉइंट पर है समान समय में है सेम टाइम में एक समय ऐसा है जब तीनों P पर हैं दूसरा समय ऐसा है जब A पर है A1 A2 A3 ठीक है और उसके बाद B1, B2, B3 और उसके बाद समान समय में Q पर पहुंचते हैं दिस इज द मैप ठीक है Y आफ्टर बींग ड्रॉप बाई एक्स स्टार्ट वॉकिंग टर्ड्स क्यू एट द स्पीड ऑफ फाइव किलोमीटर पर आवर इन दिस मैनर ऑल द थ्री ऑफ देम रीच क्यू एट द सेम टाइम मैप क्लियर हुआ यानी इसका जो स्पीड है ये चलना जारी रखता है यहाँ भी फाइव किलोमीटर पर आवर से जल्दी बताइए से चलना जारी रखता है यहाँ के बाद जो स्पीड है देखिए ये इधर आता है ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर से इधर जाता है फाइव किलोमीटर पर आवर से जल्दी बताइए और यहाँ के बाद तो स्पीड दोनों की चूंकि हमने यहाँ लिखी नहीं ये भी यहाँ से एक ही साथ जाता है आप एक लाइन और खींच सकते हैं कि भाई ये तो एक ही साथ जाता है यहाँ से ये देखिए यही है ना जल्दी बताइए और ये स्पीड है ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर की ठीक है अब इसमें मुख्य बात क्या है स्पीड तो दिया हुआ है समान समय लगता है ये भी दिया हुआ है तो थर्ड क्या निकला डिस्टेंस हम टाइम ही मानते हैं चूंकि टाइम इक्वल लगता है कम से कम पहली बार अंतिम बार भी तो अगर हम मान लें कि टी आवर्स के बाद ये छोड़ता है तो फर्स्ट टाइम ए वन ए टू और ए थ्री तक जाने में तीनों को टी टी, आवर, टी, टी आवर्स लगे कि नहीं बोलिए तो ट्वेंटी टी का डिस्टेंस हुआ कि नहीं जल्दी बताइए ये ट्वेंटी का डिस्टेंस हुआ कि नहीं ये पूरा 20 T का डिस्टेंस हुआ कि नहीं? अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो टाइम की बात करें तो टी आवर्स यहां से यहां तक जाने में इसको भी पहली बार तो उतना ही लगा था लेकिन टी आवर्स में ये यहां पहुंचता है तो आप मुझे बताइए फाइव टी डिस्टेंस हुआ कि नहीं मतलब फाइव किलोमीटर पर आवर और टी आवर्स में फाइव टी का डिस्टेंस हुआ कि नहीं ये वाला डिस्टेंस फर्स्ट वाला टाइम तो टी ही लगेगा ये तो हमें पता है टी टाइम इसे भी लगा टी आवर्स इसे भी लगा टी आवर्स यहां तक इसे भी लगा टी आवर्स नेक्स्ट अगली बार क्या होता है जब ये यहां से यहां पहुंचते हैं उतने ही समय में यहां से यहां पहुंचता है यहां से यहां पहुंचता है मुझे बताइए मुझे बताइए समान समय में ये वाला जो पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है यहां से दोनों चले दोनों चले 20 किलोमीटर पर आवर 5 hour, तो 25 हुआ नहीं। जल्दी बताइए 25 किलोमीटर पर आवर हुआ कि नहीं दोनों का जो स्पीड हुआ 25 किलोमीटर पर आवर हुआ और डिस्टेंस क्या हुआ तो ये पूरा का पूरा 20 टी है 5 टी चला जा चुका 15 टी है यानी फिफ्टीन टी को ट्वेंटी फाइव टी किलोमीटर पर आवर के रेट से ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर के रेट से कितने समय में तय करेगा थ्री बाई फोर्टी यानी ये थ्री बाई फोर्टी तो ये भी थ्री बाई फोर्टी और ये भी थ्री बाई फोर्टी जल्दी बताइए हमने टाइम नोट किया स्पीड डिस्टेंस को छोड़ देते हैं क्योंकि फाइव इन टू थ्री बाई फाइव हुआ ना एक मिनट थ्री बाई फाइव टी थ्री बाई फाइव टी और देखिए ये थ्री बाई फाइव जल्दी बताइए अब फाइव किलोमीटर पर आवर के रेट से थ्री टी होगा ये तो क्लियर है इसको रहने देते हैं जहां जरूरत होगी वहां पर यूज करेंगे टाइम है मालू स्पीड मालूम है तो डिस्टेंस निकाल सकेंगे यहां भी देखिए ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर के रेट से थ्री बाई फाइव टी मतलब कितना हुआ ट्वेल्व टी और ये कितना हुआ? थ्री ती, ती, ये ती, ती, ये। अब इसमें जो एक और बात है वो ये कि आगे जो समय लगता है समान लगता है तो आगे कितना समय लगता है कितना टाइम लगता है ये वाला टाइम अगर टी लगता हो तो इसे भी यहां से यहां तक जाने में टी ही लगेगा टी ही लगेगा पर यह डिस्टेंस कितना है सेवेंटी माइनस देखिए ट्वेंटी टी और इधर इधर कितना आता है थ्री टी ट्वेंटी थ्री टी तो सेवेंटी माइनस ट्वेंटी थ्री टी बाय किलोमीटर पर आवर इतना टाइम लगेगा कि नहीं ये बताइए जल्दी और जहां तक दूसरे का सवाल है दूसरे का टी इसका टी कितना होगा यहाँ लगने का है यहां लिखते हैं जरा गौर कीजिए ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर के रेट से ये ये फाइव टी एंड थ्री टी एट सेवन टी माइनस एटी से टी का वैल्यू निकलेगा इसके बाद फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है जो इंफॉर्मेशन सामने लिखे हैं उनको ही लेकर के आगे बढ़ना है तो इसको हम लोग सॉल्व करें चलिए ठीक है यहां पर सॉल्व कर लेते हैं ठीक है या यहां पर स्पेस है इसको सॉल्व कर लेते हैं ऊपर देखिए एक टी का वैल्यू क्या आया था एक जो टी का वैल्यू आया था वो था सेवेंटी माइनस ट्वेंटी थ्री टी बाई फाइव किलोमीटर पर आवर दूसरे टी का वैल्यू क्या आया था सेवेंटी माइनस एट टी फाइव और थ्री एट कवर हुआ था ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर अब मुझे ये बताइए कि सेवेंटी माइनस ट्वेंटी थ्री टी बाई इज इक्वल टू सेवेंटी माइनस एट टी बाई ट्वेंटी इसको सॉल्व करना बहुत आसान है इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं जरा गौर कीजिए. देखिए अपोजिट है ना सेवन इंटू सेव फोर इंटू सेवेंटी और वन इंटू सेवेंटी तो ये हुआ थ्री इंटू सेवेंटी टू और ये देखिए ट्वेंटी थ्री इंटू फोर नाइनटी टू माइनस एट एटी फोर इसका मतलब क्या हुआ देखिए 14 से करते हैं, सिक्स टाइम्स यानी t इज इक्वल टू फाइव बाई टू यानी कि टू पॉइंट फाइव आवर्स मतलब t का वैल्यू निकला इसके बार, इसके बाद, बाद क्वेश्चंस की ओर हमें आगे बढ़ना है ये क्लियर है आगे बढ़े है? अब टी बालू होने के बाद कुछ भी निकाल सकते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारा टी मालूम में तो हर कुछ निकाल सकते हैं यही जो हमने बनाया रेखा चित्र इसी को लेके आगे बढ़ना है तो ये यहां पर लिखा हुआ है टी का वैल्यू टू पॉइंट फाइव हाउस है इसी को लेकर के चलेंगे चलिए तो चलते हैं हमारा ये ये इंफॉर्मेशन है जो आया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की ओर पहला सवाल हाउ मच डिस्टेंस डिस्टेंस इज कवर्ड बाई जैट फुट पैदल जेड जो है तो जेड तो पैदल कहां तक चलता है यहां से यहां तक चलता है जल्दी बोलिए जब ये यहां पहुंचा था ये यहां पहुंचा था यानी हमें जो बताना है कि जो डिस्टेंस है फाइव टी प्लस थ्री टी जल्दी बताइए फाइव देखिए फाइव टी प्लस थ्री टी यानी एट टी यानी कि एट इंटू टू पॉइंट फाइव आर्स है ना एट इज इक्वल टू ट्वेंटी किलोमीटर होगा बताइए होगा कि नहीं मतलब हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय जेड ऑन फुट ऑन फुट यहां से यहां तक आते हैं यानी किलोमीटर आंसर ठीक है सेकंड क्वेश्चन आफ्टर हाउ मच टाइम इज वाई ऑन द वे बाय एक्स देखिए कितने समय के बाद ओनली तो टी उस, उसी को तो हमने टी माना था कि कितने समय के बाद एक्स ने वाई को ड्रॉप किया उसको तो हमने टी माना हुआ है तो टी इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव आवर्स जल्दी बताइए क्लियर अगला सवाल फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम Q Q का मतलब बाद वाला पॉइंट पी से Q का जो डिस्टेंस है वो है 70 किलोमीटर तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम Q वेयर X मीट्स Z X मीट्स Z तो एक्स मीट्स जेड कहां है यहां पर मैंने देखिए तो आपको ये डिस्टेंस बताना है ये डिस्टेंस बताना है तो ये डिस्टेंस का टाइम तो हमें मालूम है तो स्पीड मालूम है तो हम बता सकते हैं कितना जल्दी बोलिए यानी इतने समय में वो क्या डिस्टेंस तय करता है इससे कब मिला था देखिए एक्स मीट्स जेड मतलब यहां से स्पीड है ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर और टाइम है डिस्टेंस यानी कि ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर देखिए और सेवेंटी माइनस एट टी एट का मतलब टू पॉइंट फाइव बाई ट्वेंटी जल्दी बताइए ठीक है ये क्या आया सेवेंटी माइनस ट्वेंटी यानी कि फिफ्टी किलोमीटर जल्दी बोलिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहां पर जो डिस्टेंस है फाइव टी और थ्री टी एट टी और आप बोल सकते हैं कि सेवेंटी जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है उसमें फाइव टी प्लस थ्री टी एट टी को माइनस कर दें यानी 70 माइनस एट इंटू टू पॉइंट फाइव यानी कि फिफ्टी किलोमीटर चाहे आप वैसे निकालें चाहे आप ऐसे निकालें जो मर्जी जैसे भी चाहे आप कर सकते हैं ठीक है दोनों में से जिस तरीके से चाहे ठीक है इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ता हूं फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय वाई वाई मतलब ऊपर वाला इन द टाइम इन द टाइम व्हेन आफ्टर ड्रॉपिंग वाई एट्स मीट्स इन जेड जेड इन ऑर्डर टू पिक अप हिम जरा देखिए आपसे ये वाला पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई वाई वाई आफ्टर ड्रॉपिंग वाई एक्स मीट्स इन जेड तो आपसे डिस्टेंस पूछा है तो so, ये जो, जो टाइम था थ्री टी बाई फाइव इंटू फाइव थ्री टी होगा ना जल्दी बोली तो थ्री टी निकाले हुए हैं या फाइव किलोमीटर पर आवर के रेट से टी इंटू टू पॉइंट फाइव बाई फाइव होगा बोलिए यानी कि सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर आंसर जल्दी बताइए थ्री निकाले हुए हैं तो ओके अदरवाइज फाइव किलोमीटर पर आवर का रेट है और थ्री टी बाई फाइव ये सेम टाइम इनको भी लगता है इनको भी लगता है इनको भी लगता है अगला सवाल question find the total time taken by z jet, to reach the point q time pehle T hours for 3t by 5 hours or for seventy minus eighty by 20 hours kiji. T hours plus plus 3t by 5 hours or plus. सेवेंटी माइनस एट टी बाई ट्वेंटी आवर्स यही टोटल टाइम लगा ना जल्दी बताइए तो अब आप मुझे बताइए ये क्या है दिस इज टू पॉइंट फाइव प्लस ये क्या है टू पॉइंट फाइव इंटू थ्री बोले या हाफ बोले देखिए टू पॉइंट फाइव है ना को फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए हाफ इंटू थ्री या सेवन पॉइंट फाइव बाई फाइव या 1.5 जैसे बोलिए और प्लस ये 20 माइनस सेवेंटी यानी 50 बाई ट्वेंटी यानी 2.5 पॉइंट आवर्स बोलिए यानी कि 6.5 पॉइंट आवर्स ठीक है सबसे पहले इंग्लिश हिंदी दोनों में एक एसलेट है आप देखेंगे प्रवेश कहाँ से करें इंस्ट्रक्शन को थोड़ा एक बार देख लीजिए फिर बात करते हैं स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो क्या मैप बन रहा आपके दिमाग में कार ए अभी तक तो हम कुछ जानते नहीं थे कार ए दिस ट्रेवल्स इज सर्टेन डिस्टेंस इन डिस्टेंस एंडल्ड बाय कार एक्सटीन एंड 2 बाई थ्री परसेंट लेस दे बाय कार को पढ़ने से जो आपको नजर आता है कि कार ए के बारे में कहा गया है डिस्टेंस तो है दिस इज टाइम एंड ऑफ़ डिस्टेंस तो अभी तक समझ में नहीं आया कार बी दिस सर्टेन डिस्टेंस इन 7 आवर्स एंड ट्वेल्व मिनट्स विद दिस स्पीड ऑफ अब समझ में आ, उसके बाद कार सी होगा तुरंत एक मैप मैप क्या दिमाग में आ रहा है कि हम कार ए ले लें बी ले लें सी ले लें ले ले, स्पीड ले लें टाइम ले लें एंड डिस्टेंस ले लें और उसके बाद बात करें इसका क्या इंफॉर्मेशन दिया है और क्या ड्रॉ किया जा सकता है बोलिए क्लियर ठीक है तो आइए एग्जाम में आपको रब बनाना है कोई ऐसा टेबल नहीं लेकिन यहां तो मुझे समझाना है न्यू स्टूडेंट्स को भी ठीक से समझ में आना चाहिए मेन का एसलेट डीआई है तू भी तो कुछ ऐसा जो मैंने अभी आपसे बात ठीक है ठीक है, तो देखिए कार ए हमें क्या दिख रहा है जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पहले उसको नोट डाउन करते हैं कार ए दिस कार्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन सिक्स हाउर्स यानी कार ए जो है सर्टेन डिस्टेंस को सिक्स हाउर्स में तय करती है एंड ट्रेवल बाय कार ए इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज सिक्सटीन एंड टू बाई थ्री परसेंट लेस दैन दैट ऑफ बी स्पीड जो है वो कह रहा है कि इससे जो इसका है कहने का मतलब इससे जो इसका स्पीड है वो सिक्सटीन एंड टू बाई थ्री परसेंट लेस है डिस्टेंस में डिस्टेंस में डिस्टेंस में अगर हम इसे हंड्रेड माने तो ये इतना लेस होता है ये एटी थ्री एंड वन बाई थ्री परसेंट होता है स्पीड स्पीड ठीक है स्पीड लेकिन यदि हम इसे वन माने तो वन बाई सिक्स लेस होता है तो फाइव बाई सिक्स होता है सिक्स माने तो मजा ना जाए सिक्स माने तो मजा ना जाए लेकिन इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे इसके बाद ये मैंने यहां पर चर्चा हुई तो आपको एक्सप्लेन कर दिया नहीं तो इसको बाद में यूज करेंगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है तो मिटा देते हैं कार बी दिस कारण ट्वेल्व मिनट्स तो सेवन आवर्स एंड ट्वेल्व मिनट्स लिख सकते हैं लेकिन हम आवर के रूप में लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ट्वेल्व मिनट्स मीन वन Fifth of an hour, यानि कि हम इसे बोल सकते हैं सेवन एंड वन बाई फाइव आवर जल्दी बोलिए आवर आवर में है तो आवर में लिखते हैं किलोमीटर पर आवर तो ये दिया हुआ है ये फिफ्टी किलोमीटर पर आवर का स्पीड है <laughs> हो गया कार सी दिस कार्स ए डिस्टेंस ऑफ फोर हंड्रेड किलोमीटर फोर हंड्रेड किलोमीटर 400 किलोमीटर स्पीड ऑफ बी यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर बताइए दिया है कि नहीं हो गया अब इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके बाकी चीजें निकाल लेनी है इसके बाद क्वेश्चन में तो ज्यादा दिक्कत होनी नहीं है तो जहां तक सवाल है बी का तो बी का हमें स्पीड मालूम है टाइम मालूम है तो यह क्या हुआ का क्या हुआ फिफ्टी किलोमीटर पर आवर के रेट से एंड आप ऐसा बोल सकते हैं फ्रैक्शन को ब्रेक करके लेकिन बिना ब्रेक ये भी बात कर सकते हैं कि थ्री सिक्सटी किलोमीटर बोल सकते हैं कि नहीं जल्दी बोलिए इसको हमने निकाला तो हम लोग इसको लिखते हैं कि भाई ये थ्री सिक्सटी किलोमीटर है ठीक है इसके बाद देखिए उसके बाद देखिए जब ये 360 है तो हमें पता है हमें पता है हमें पता है कि सिक्स का माने है देखिए 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 सिक्स का माने है 360 किलोमीटर तो भाई फाइव का माने क्या है क्या ये ये 300 किलोमीटर ना होगा जल्दी बताइए यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमने ये निकाल लिया ये 300 किलोमीटर है जल्दी बताइए क्लियर और अगर ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस सिक्स आवर्स में तय करता है तो स्पीड क्या हुआ 50 किलोमीटर पर आवर ना हुआ ये भी कि 100 किलोमीटर पर आवर के रेट से 400 किलोमीटर को तय किया जाता है तो क्या इसे फोर आवर्स न लगे जल्दी हैं इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रात में हम इस, इसको नोट डाउन करते हैं और फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं चले तो हमारा पहला सवाल आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ द स्पीड ऑफ कार ए इज डिक्रीज बाई टू किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इनक्रीज बाई टेन परसेंट यानी 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 कार ए का सवाल है इधर देखिए कार ए है कार बी है इनिशियली फाइनली एंड फाइनली इनिशियली क्या दिया हुआ है कार ए का जो स्पीड है हम पहले से जानते हैं ये 50 किलोमीटर पर आवर है और अगर ये डिक्रीज हो जाए 2 किलोमीटर पर आवर से तो कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर ना हो जाए बताइए और बी का यदि 10 परसेंट से इंक्रीज हो जाए यानी ये भी 50 किलोमीटर पर आवर है हम जानते हैं तो टेन परसेंट का मानी क्या है और ये इंक्रीज हो जाए तो फाइव किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज होगा तो ये फिफ्टी फाइव किलोमीटर पर आवर ना होगा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय बोथ द कार्स इन फॉर्स कहने का मतलब तो ये है कि हम निकालें कि इसने कितना डिस्टेंस तय किया इसने कितना डिस्टेंस तय किया और फिर सॉल्व करें कहने का मतलब यह है कि हम निकालें यह 48 एट इंटू फोर वन किलोमीटर तय किया और इसने 55 फाइव इंटू फोर टू किलोमीटर तय किया दोनों के बीच का गैप क्या है और बोले 28 किलोमीटर आंसर बोले बैड आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन 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 स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए फोर आवर्स में डिफरेंस क्या होता है भाई वन आवर में डिफरेंस क्या होता है डिफरेंस इन स्पीड हम क्यों ना बात करें हम डिफरेंस इन स्पीड क्यों ना बात करें दैट इज दैट इज सेवन इंटू फोर सीधा सीधा ट्वेंटी एट किलोमीटर क्यों ना बोलें आंसर क्यों ना हो पेन पेपर की जरूरत ही क्यों पड़े वन आवर में ये फोर्टी एट और ये फिफ्टी फाइव दैट मीन सेवन किलोमीटर का डिफरेंस होता है तो फोर आवर्स में क्या होगा यानी कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस ऑफ स्पीड्स क्या है स्पीड्स इज इक्वल टू क्या है फिफ्टी फाइव माइनस फोर्टी एट दैट मीनस सेवन किलोमीटर पर आवर तो हम फोर आवर्स में ऐसा क्यों ना बोलें स्मार्ट अप्रोच कुछ खास लिखने का है नहीं जो भी किया गया आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कर सकते हैं आप इसे फोर्टी एट बोल सकते थे आप फिफ्टी फाइव बोल सकते थे डिफरेंस इज सेवन किलोमीटर बोलते सेवन इंट फोर ट्वेंटी ठीक है अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कार डी ट्रेवल फोर्टी परसेंट मोर डिस्टेंस देन दैट बाय कार ए इन एन कार ए कार ए ने जो डिस्टेंस तय किया है और कार डी ने जो डिस्टेंस तय किया जहां तक डिस्टेंस का सवाल है कार ए का डिस्टेंस क्या है थ्री हंड्रेड किलोमीटर ठीक है इसका डिस्टेंस थ्री हंड्रेड किलोमीटर और यदि फोर्टी परसेंट ज्यादा डिस्टेंस इसने तय किया है फोर्टी परसेंट का माने क्या हुआ वन ट्वेंटी किलोमीटर टेन परसेंट थर्टी तो इसने फोर हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर का डिस्टेंस तय टाइम तो टेन आवर्स है टाइम क्या है टाइम क्या है टेन आवर्स है तो इसने 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 फाइंड द स्पीड ऑफ यानी ट्वेंटी किलोमीटर बाय टेन आवर्स यानी कि फोर्टी टू किलोमीटर पर आवर बोलिए समझ में आया कि नहीं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही बेस्ट अप्रोच है तो आइए शुरू करते हैं आज का कैशलेट सबसे पहले आप देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में है फर्स्ट मैक्रो देन माइक्रो एक बार रीडिंग लगाइए कहां से शुरू करें उसको देखने का प्रयास कीजिए और फिर उस जगह से घुस जाइए मैपिंग पहले होता है हिंदी मीडियम वाले खास करके इसको पढ़ लें देखिए क्या है देर आर थ्री डिफरेंट गन्स ऊपर है ना स्टडी देंट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन देर आर थ्री डिफरेंट गन्स ए बी एन सी ठीक है गन है तो फायर होगा पर कह क्या रहा है डिफरेंट नंबर्स ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम ईच गन ओके ओके फायरिंग होती है तीनों गन से अभी तक समझ में नहीं आया कि दरअसल डायरेक्शन किधर है फ्यू ऑफ देट द टारगेट वाइल खाका समझ में आ रहा है, होती है कितने कितने कुछ मिस कुछ हिट लेकिन एक बात तो है a few of them hit the target इसका मतलब टारगेट को हिट करने वाला कम है मिस करने वाला ज्यादा है गन ए गन बी गन सी के बारे में कहा जा रहा है अब हमारे पास टाइम नहीं है आगे बढ़ने का फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम करते हैं थ्री गन्स फायर कितने हुए हिट कितना हुआ और मिस कितना हुआ इन जनरल ये है और कुछ आगे का इंफॉर्मेशन है तो उसको भी हमको नोट डाउन करना है अब आइए बात करते हैं इसको लेते हुए तो ठीक है ये मैप बन रहा है ये मैप बन रहा है देखिए गन ए सेवेंटी परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फायर्ड बुलेट्स मिस द टारगेट तो भाई मिस करने वाले सेवेंटी परसेंट है तो ये तो दिया है कि सेवेंटी परसेंट मिस करते हैं ठीक वैल्यू क्या है अभी नहीं मालूम गन बी के बारे में टोटल नाइन हंड्रेड बुलेट्स वेर फायर्ड बी में है कि नाइन हंड्रेड टोटल फायर्ड हुए ओके okay? एंड थर्टी थ्री एन वन बाई थ्री परसेंट हिट द टारगेट वन थर्ड थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड हिट करता है इसका मतलब यह भी है कि वो सिक्स हंड्रेड मिस करता है ठीक इसके बाद गन सी फोर फिफ्टी बुलेट हिट दी के बारे में जितना हिट है वो दिया है ये इनफॉरमेशंस दिए ये हमने नोट कर लिया इसके बाद आगे रिलेशन दिए होंगे जिसके आधार पर हम बाकी को फिल करेंगे क्या रिलेशन दिया दिखते हैं और फिल करते हैं तो आइए द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट हिट द टारगेट बाय गन ए गन ए जो हिट करता है

सेवेंटी so परसेंट मतलब फाइव सिक्सटी होगा ना और हंड्रेड परसेंट मतलब टोटल ऐड कर दिया या हंड्रेड परसेंट एट टाइम्स एट हंड्रेड मालूम हो जाता है इसके बाद आगे पढ़ते हैं डेटा कुछ ऐसा होता है जो आप पढ़ते हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये आपको पता होना चाहिए तो तो नंबर ऑफ बुलेट्स दैट मिस्ट द टारगेट बाई गन सी 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 मिस्ट इज सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट लेस देस दे नंबर ऑफ बुलेट्स दैट फायर बाय एट अचानक सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट आया तो आप परेशान हो गए नहीं ट्वेंटी फाइव परसेंट वन फोर्थ ट्वेल्व एंड हाफ परसेंट वन एट मतलब 1 by 16, 1 by का हाँ, 1 by मतलब का उसका हाँ 50, 50 लेस है यानी 750 है यानी कि ये 750 है तो टोटल हमें मालूम हो गया 1200 जो कि गन सी से फायर किए गए सारे वैल्यूज पता है हाँ कुछ इंफॉर्मेशन और भी है टाइम गैप

इसके बाद हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे ये इंफॉर्मेशन हैं, नोट कर लिए गए आइए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं द गन सी फायर्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम 12:30 थर्टी पीएम टू ट्वेल्व थर्टी फोर पीएम एंड नॉट एनी टाइम बिफोर दैट इसके पहले कोई फायरिंग नहीं हुई यानी स्टार्ट हो रहा नंबर वन नंबर बुलेट नंबर वन टर्टी टू टूल्व थर्टी फोर यानी फोर मिनट फोर इंटू सिक्स टू फोर्टी देन हाउ मेनी बुलेट्स वे लेफ्ट टू बी फायर दिस पीरियड ऑफ शूटिंग इसके बाद कितने बचे हिट के बारे में नहीं कहा जा रहा है ये गन सी है इसने टोटल 1200 फायर किए और इस दौरान 1230 थर्टी टू ट्वेल्व थर्टी कितने फायर हुए लेकिन फायरिंग के नंबर में एक बात मैंने रखती है सी हर सेकंड पर फायर होता है तो थोड़ा एक बात समझिए आप जैसे मान लीजिए पहली फायरिंग तो हो गई अब सेवन सेकंड्स का मतलब वन फायरिंग प्लस वन सेवन सेकंड्स में टू फायर होंगे कि नहीं एक और सेवन सेकंड अगर लेंगे तो फिर वन वन टू और ये वन यानी इस वन को छोड़ दीजिए तो वन सेवन सेकेंड्स वन सेवन सेकेंड मीन वन टू सेवन सेकंड सेवन सेकंड्स मीन थ्री प्लस वन यानी हमेशा नंबर ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फायरिंग प्लस वन ये वाला ये आपको ध्यान रहे ठीक है आइए हम लोग बात करते हैं ये ट्वेल्व थर्टी टू टू ट्वेल्व थर्टी फोर ये जो पीएम है इसमें फोर मिनट्स है फोर मिनट्स मतलब फोर इंटू सिक्सटी इज इक्वल टू टू फोर्टी सेकेंड्स में कितने फायर हुए ये सवाल है जानते हैं मल्टीप्लाई करने से बचना चाहिए बताता हूं क्यों कैसे देखिए ऐसा है कितने फायर हुए उस दौरान तो सेवन पर वन होते हैं तो आप जानते हैं वन प्लस हर सेवन पर वन 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 प्लस वन शुरू वाला और ये टू फोर्टी टू फोर्टी न लिख के अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है सेवन एट जा एट इंटू फोर थर्टी टू अब बोले एट जा फोर इंटू फोर सिक्सटीन बाई सेवन इससे कैलकुलेशन इजी होता है वन प्लस टू यानी थर्टी फोर टू बाय सेवन बता देता हूं कैसे होता है तो थर्टी फोर सेकेंड पर होने के बाद आगे तो नहीं होता क्योंकि टाइम तो हो गया ट्वेल्व थर्टी फोर तो टोटल कितने हुए थर्टी फाइव थर्टी फोर सेकेंड तक हुए थर्टी फाइव उसके बाद तो टाइम ओवर हो गया थर्टी फोर तो लेफ्ट कितना ये हुआ ये क्या हुआ? उस दौरान में तो लेफ्ट कितना होगा अब बचे कितने तो टोटल ट्वेल्व हंड्रेड में थर्टी फाइव फायर हुए तो अभी इलेवन सिक्सटी फाइव देखिए कैलकुलेशन का ये तरीका क्या है 4 into 60 by, ये जो सेवन है इसको फोर इंटू 7 समझते हैं तरीका सीख लीजिए ये हुआ थर्टी टू प्लस सिक्सटीन बाई सेवन इज इक्वल टू थर्टी फोर प्लस टू बाई सेवन ये सॉल्व करने का बड़ा ही जबरदस्त तरीका है और इसका खूब इस्तेमाल होता है इसलिए ये आपको सीखना चाहिए समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट हिट द टारगेट बाय ऑल द थ्री गन्स टुगेदर ये तो इजी शुरू में जो करना था करना था इसके बाद जो हिट करते हैं टारगेट को उनका एवरेज लेना है यानी एवरेज ऑफ 240, फोर्टी थ्री हंड्रेड एंड फोर फिफ्टी ये तो हम लोग अगर 300 हंड्रेड मान लें तो क्या बचेगा माइनस सिक्सटी प्लस जीरो प्लस वन और इसको तीनों में बांट देंगे 90 बाई थ्री बोली बहुत आसानी से आप कर पा रहे हैं कि नहीं ये पूरा कैलकुलेशन मन में हो पा रहा है कि नहीं यानी कि थ्री थर्टी आंसर जल्दी बताइए हमने बेस मान लिया थ्री हंड्रेड बेस मान करके हमने इसको सॉल्व किया ठीक है क्लियर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इफ ऑल द गन्स स्टार्टेड फायरिंग एट ट्वेल्व पी एम बारह बजे सभी शुरू करते हैं ए बी सी हाउ मेनी टोटल बुलेट्स वुड वी लेफ्ट तो फायर कितने हुए टोटल तो हमें मालूम है इस दौरान फायर कितने हुए बी फायर बाय द थ्री गन्स आफ्टर थर्टी मिनट्स थर्टी मिनट्स तक कितने फायर हुए तो बाकी बचे कितने इट इज नोन दैट ऑफ़ गन्स एनी टाइम ट्वेल्व पी एम बारह बजे के पहले कुछ भी फायर नहीं हुआ है तीनों गन फायर करना शुरू करते हैं थोड़ा शॉर्ट में देखें गन ए गन बी और गन सी ये फायर कितने करते हैं थर्टी मिनट्स यानी थर्टी इंटू सिक्स जल्दी बताइए थर्टी इंटू सिक्स थर्टी इंटू सिक्स में ठीक है तो गन ए का जहां तक सवाल है फाइव करके होता है ये थ्री करके होता है ये सेवन करके होता है लेकिन प्लस वन भी होता है जल्दी बताइए होगा कि नहीं पहला वाला फर्स्ट वाला अब आप मुझे बताइए इसको कैंसिल करेंगे आपको पता है जहाँ से भी बोलिए तो ये कितना हुआ थ्री सिक्सटी वन ये कितना हुआ सिक्स हंड्रेड वन जल्दी बताइए ये वाला ये वाला वही तरीका जो पहले कर रहे थे ये बताता हूँ ऐसा है बड़े नंबर को लेने से ज्यादा अच्छा रहता है बल्कि मैं तो कहता हूं मैं तो कहता हूं कि इसे आप अगर फिफ्टीन इंटू वन करेंगे तो सत्रह सत एक सौ उन्नीस होता है सेवनटीन सेवनटीन इंटू फिफ्टीन सिक्सटीन स्क्वायर माइनस वन टू फिफ्टी सिक्स माइनस वन टू फिफ्टी फाइव बेस्ट वे है एंड फिफ्टीन बाई टू सेवन प्लस वन यानी कि यानी कि ये क्या आएगा इसको इसको निकालेंगे तो ये शॉर्ट में करते हैं इसका माने क्या हुआ टू निकला फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट यानी कि टू फिफ्टी एट ये टू यहां से निकला ना यहां से इसका माने क्या होता है इसका माने हुआ टू फिफ्टी सेवन प्लस वन ऐसे तो ये टोटल कितने हुए ये टू लेके इसको दे दीजिए सिक्सटी हो जाएगा बोलिए सिक्सटी हो गया वन ट्वेंटी हो गया और ये इलेवन और वन ट्वेंटी ट्वेल्व हंड्रेड देखिए ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी टोटल बचा कितना क्योंकि इतने फायर हुए उस दौरान जबकि टोटल फायरिंग है टोटल फायरिंग है देखिए एट हंड्रेड प्लस नाइन हंड्रेड प्लस ट्वेल्व हंड्रेड यानी टोटल फायर फायरिंग है ट्वेंटी नाइन हंड्रेड जल्दी बताइए है ना तो ये हुआ ट्वेंटी नाइन हंड्रेड माइनस ट्वेल्व ट्वेंटी दैट मींस की सिक्सटीन एटी क्लियर मैन ऑफ दिस आंसर आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड बाय गन ए इन टेन मिनट्स इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ़ बुलेट्स फायर्ड बाय गन बी इन फोर मिनट्स देखिए ऐसा ये है कि गन ए का जहाँ तक सवाल है और गन बी का जहाँ तक सवाल है गन ए टेन मिनट्स में यानी इतने सेकंड्स में फाइव के इंटरवल पर फायर करने के कारण इतना बुलेट फायर होता है और गन बी का जहां तक सवाल है फोर मिनट्स यानी इतने सेकंड्स में थ्री के हिसाब से इतना और शुरू में जो एक होता प्लस वन होगा कि नहीं बताइए इसका मतलब वन ट्वेंटी वन होगा ना यहां पर बोली और यहां पर 81 पूछा यह है कि इससे ये कितना परसेंट ज्यादा है तो हम जानते हैं कि ये 40 ज्यादा है इसका मतलब होता है हंड्रेड परसेंट तो हम जानते हैं कि 40.5 पॉइंट फाइव का मतलब हुआ फिफ्टी परसेंट इससे थोड़ा कम है पॉइंट एट का मतलब होता है ना वन परसेंट तो ये करीब 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 फोर्टी नाइन परसेंट आंसर जल्दी बताइए कितना भी क्लोज हो बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हैं ठीक है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट हिट द टारगेट बाय गन डी देखिए बाय गन डी डी तो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट्स मतलब डी के बारे में है तो डी को यहाँ पर नोट कर लेते हैं भूल न जाए इज इक्वल टू जो कि हिट करता है इसका जो है हिट करता है ये भी नोट कर लेते हैं हिट कितना करता है नंबर ऑफ बुलेट्स दैट हिट द टारगेट बाई गन बी मतलब देखिए 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 द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट हिट द टारगेट बाई गन डी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट हिट द टारगेट बाई गन बी तो बी के बराबर है तो बी हिट कितना करता है थ्री हंड्रेड ये भी थ्री हंड्रेड हिट करता है इक्वल टू बी दिया हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स फायर बाय गन डी टोटल नंबर क्या है टोटल नंबर ये कितना है इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ टोटल बुलेट्स फायर्ड बाय गन ए एन सी ए एन सी का जो है वन थाउजेंड है कि नहीं यानी एट हंड्रेड और ये ट्वेल्व हंड्रेड का जो एवरेज है दैट मीन की वन थाउजेंड इसका मतलब मिस कितना हुआ जो मिस किया मिस्ड टारगेट वो कितना हुआ वन थाउजेंड माइनस थ्री हंड्रेड यानी सेवन हंड्रेड बताइए ठीक है और ये सिक्स नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड बाय गन सी दैट मिस्ड द टारगेट सी का जो मिस्ड हुआ है सी e का जो मिस्ड हुआ है वो क्या है सेवन फिफ्टी इस टू 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 द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड बाई गन ए का टोटल फायर्ड टोटल फायर्ड तो ये एट हंड्रेड है करने का तरीका होता है कि हम लोग इसको डबल कर देते हैं तो मजा आ जाता है देखिए ना अगर हम लोग डबल कर दें तो मजा आ जाए ये फिफ्टीन हंड्रेड ना हो जाए ये हंड्रेड ना हो जाए तो क्या फिफ्टीन इस टू तो सिक्सटीन नहीं हो जाएगा फिर से बताइए क्लियर समझ में आया ओके okay? वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल इस पर आप सबों का स्वागत है आज एक बहुत सुंदर सा कैसलेट डीआई मैंने लिया है मेमोरी बेस्ट मेन एग्जाम का आया हुआ फर्स्ट मैक्रो देन माइक्रो ये जो कॉन्सेप्ट है कैसलेट को समझने का इसमें भी आपको साफ साफ नजर आएगा हमेशा ही एग्जाम में कुछ अलग तरह के एग्जाम्पल्स अलग एरिया से लिए जाते हैं ताकि एक स्टूडेंट नई स्थितियों में खुद को कैसे एडजस्ट करता है यह चेक हो सके टफ नहीं है लेकिन नए जगह पर जाकर चीजों को आपको समझना पड़ता है आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं ये, अमर सर मैथ दिखता है ऐप पर पेड कोर्स है कंप्लीट सॉल्यूशन फाउंडेशन बैच बैंक एसएससी रेलवे फ्री से लेके मेन तक किसी भी तरह का एग्जाम दें लेकिन इसके साथ साथ यूट्यूब पर क्लासेस फ्री हैं और उसको फॉलो करते हुए भी, भी आप आसानी से पास कर सकते हैं ये दोनों बातें माने रखती हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का कैशलेट सबसे पहले आप देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में है फर्स्ट मैक्रो देन माइक्रो एक बार रीडिंग लगाइए कहां से शुरू करें उसको देखने का प्रयास कीजिए और फिर उस जगह से घुस जाइए मैपिंग पहले होता है हिंदी मीडियम वाले खास करके इसको पढ़ लें देखिए क्या है देर आर थ्री डिफरेंट गन्स ऊपर स्टडी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस थ्री डिफरेंट गी एन सी ठीक है गन है तो फायर होगा परिफरेंट नंबर ओके ओके फायरिंग होती है तीनों गन से अभी तक समझ में नहीं आया कि दरअसल डायरेक्शन किधर है इफ यू ऑफ देम हिट द टारगेट वाई लदर्स मिस्ड वे खाका समझ में आ रहा है फायरिंग होती है कितने फायर हुए टोटल फायर कितने हुए कुछ मिस किए कुछ हिट किए लेकिन एक बात तो है टारगेट इसका मतलब टारगेट को हिट करने वाला कम है मिस करने वाला ज्यादा है गन ए गन बी गन सी के बारे में कहा जा रहा है अब हमारे पास टाइम नहीं है आगे बढ़ने का फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम करते हैं थ्री गन्स फायर कितने हुए हिट कितना हुआ और मिस कितना हुआ इन जनरल ये है और कुछ आगे का इंफॉर्मेशन है तो उसको भी हमको नोट डाउन करना है अब आइए बात करते हैं इसको लेते हुए तो ठीक है ये मैप बन रहा है ये मैप बन रहा है देखिए गन ए सेवेंटी परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फायर बुलेट्स मिस द टारगेट तो भाई मिस करने वाले सेवेंटी परसेंट है तो ये तो दिया है सेवेंटी परसेंट मिस करते हैं, ठीक? वैल्यू क्या है अभी नहीं मालूम गन बी के बारे में कि टोटल नाइन हंड्रेड बुलेट वेर फायर्ड बी में है कि नाइन हंड्रेड टोटल फायर हुए ओके एंड थर्टी थ्री 1 वन बाई थ्री परसेंट हिट द टारगेट वन थर्ड थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड हिट करता है इसका मतलब ये भी है कि वो सिक्स हंड्रेड मिस करता है ठीक इसके बाद गन सी कि फोर फिफ्टी वोलेट्स हिट द टारगेट सी के बारे में जितना हिट है वो दिया है कि फोर फिफ्टी हिट करता है ये इंफॉर्मेश्स दिए हमने नोट कर लिया इसके बाद आगे रिलेशन दिए होंगे जिसके आधार पर हम बाकी को फिल करेंगे क्या रिलेशन दिया देखते हैं और फिल करते हैं तो आइए द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट हिट द टारगेट बाई गन ए गन ए जो हिट करता है दैट दैट इज ट्वेंटी परसेंट लेस देन दैट बाई गन बी गन बी का थ्री हंड्रेड है टेन परसेंट थर्टी ट्वेंटी परसेंट सिक्सटी लेस है यानी किया यानी कि टू फोर्टी हुआ लेकिन एक बात और सेवेंटी परसेंट यहां है तो थर्टी परसेंट यहां है इसका मतलब यह हुआ कि थर्टी परसेंट इज इक्वल टू थ्री फोर्टी एट टाइम्स वन परसेंट मींस एट तो सेवेंटी परसेंट मतलब फाइव सिक्सटी होगा ना और हंड्रेड परसेंट मतलब टोटल ऐड कर दिया या हंड्रेड परसेंट एट टाइम्स एट हंड्रेड ये मालूम हो जाता है इसके बाद आगे पढ़ते हैं डेटा कुछ ऐसा होता है जो आप पढ़ते हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये आपको पता होना चाहिए तो तो द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट मिस्ड द टारगेट बाय गन सी 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 मिस

यानी कि ये सेवन फिफ्टी है तो टोटल हमें मालूम हो गया ट्वेल्व हंड्रेड जो कि गन सी से फायर किए गए सारे वैल्यूज पता है हाँ कुछ इंफॉर्मेशन और भी है टाइम गैप बिटवीन द फायरिंग ऑफ टू बुलेट्स इज फाइव सेकंड थ्री सेकंड सेवन सेकंड्स जैसे फायर करते एक के बाद दूसरा के बीच थोड़ा गैप है इन सेकंड्स सेकंड्स, तो फाइव सेकंड्स, थ्री सेकंड्स एंड सेवन सेकंड्स, ठीक है देखिए ये सेकंड्स में है क्लियर इसके बाद हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे ये इंफॉर्मेशन हैं, नोट कर लिए गए आइए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं द गन सी फायर्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम ट्वेल्व थर्टी पी एम टू ट्वेल्व थर्टी फोर पीएम एंड नॉट एनी टाइम बिफोर दैट इसके पहले कोई फायरिंग नहीं हुई यानी स्टार्ट हो रहा नंबर वन फायरिंग नंबर वन बुलेट नंबर वन ट्वेल्व थर्टी टू ट्वेल्व थर्टी फोर यानी फोर मिनट्स यानी फोर इंटू सिक्स टू फोर्टी देन हाउ मेनी बुलेट्स लेफ्ट बुलेट वेफ्टी फायर दिस पीरियड ऑफ शूटिंग इसके बाद कितने बचे हिट के बारे में नहीं कहा जा रहा है ये गन सी है इसने टोटल ट्वेल्व हंड्रेड फायर किए और इस दौरान ट्वेल्व थर्टी टू ट्वेल्व थर्टी फोर कितने फायर हुए लेकिन फायरिंग के नंबर में एक बात मैंने रखती है सी हर सेवन सेकंड पर फायर होता है तो थोड़ा एक बात समझिए आप जैसे मान लीजिए पहली फायरिंग तो हो गई अब सेवन सेकंड्स का मतलब वन फायरिंग प्लस वन सेवन सेकंड्स में टू फायर होंगे कि नहीं एक और सेवन सेकंड्स अगर लेंगे तो फिर वन वन टू और ये वन यानी इस वन को छोड़ दीजिए वन सेवन सेकेंड्स वन सेवन सेकंड मीन वन टू सेवन सेकंड मीन टू थ्री सेकंड सेवन सेकेंड्स मीन थ्री प्लस वन यानी हमेशा नंबर ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फायरिंग प्लस वन ये वाला ये आपको ध्यान रहे ठीक है आइए अब हम लोग बात करते हैं ये ट्वेल्व थर्टी टू टू टर्टी फोर ये जो पी एम है इसमें फोर मिनट्स है. फोर मिनट्स मतलब फोर इंटू सिक्स इज इक्वल टू टू फोर्टी सेकेंड्स में कितने फायर हुए ये सवाल है जानते हैं मल्टीप्लाई करने से बचना चाहिए बताता हूँ क्यों कैसे देखिए ऐसा है कितने फायर हुए उस दौरान तो सेवन पर वन होते हैं तो आप जानते हैं वन प्लस हर सेवन पर वन 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 प्लस वन शुरू वाला और ये टू फोर्टी टू फोर्टी न लिख के अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है सेवन एट जा एट इंटू फोर थर्टी टू आप बोले एट जा फोर इंटू फोर सिक्सटीन बाई सेवन इससे कैलकुलेशन इजी होता है वन प्लस टू यानी थर्टी फोर टू बाई सेवन बता देता हूं कैसे होता है तो थर्टी फोर सेकेंड पर होने के बाद आगे तो नहीं होता क्योंकि टाइम तो हो गया ट्वेल्व थर्टी फोर तो टोटल कितने हुए थर्टी फाइव थर्टी फोर सेकेंड तक हुए थर्टी फाइव उसके बाद तो टाइम ओवर हो गया थर्टी फोर तो लेफ्ट कितना ये हुआ फायर ये क्या हुआ फायर्ड उस दौरान में तो लेफ्ट कितना होगा अब बचे कितने तो टोटल ट्वेल्व हंड्रेड में थर्टी फाइव फायर हुए तो अभी इलेवन सिक्सटी फाइव देखिए कैलकुलेशन का ये तरीका क्या है फोर इंटू बाई ये जो सेवन है इसको फोर इंटू सेवन समझते हैं

सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट हिट द टारगेट बाई ऑल द्री गन्स टूगेदर ये तो इजी शुरू में जो करना था करना था इसके बाद जो हिट करते हैं टारगेट को उनका एवरेज लेना है यानी एवरेज ऑफ टू फोर्टी थ्री हंड्रेड फोर फिफ्टी ये तो हम लोग अगर थ्री हंड्रेड मान लें तो क्या बचेगा माइनस सिक्सटी प्लस जीरो प्लस वन फिफ्टी और इसको तीनों में बांट देंगे नाइनटी बाई थ्री बोली बहुत आसानी से आप कर पा रहे हैं कि नहीं ये पूरा कैलकुलेशन मन में हो पा रहा है कि नहीं कि थ्री थर्टी आंसर जल्दी बताइए हमने बेस मान लिया थ्री हंड्रेड बेस मान करके हमने इसको सॉल्व किया ठीक है क्लियर आई नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इफ ऑल द गन्स स्टार्टेड फायरिंग एट ट्वेल्व पी एम बारह बजे सभी शुरू करते ए बी सी हाउ मैनी टोटल बुलेट्स वुड वी लेफ्ट तो फायर कितने हुए टोटल तो हमें मालूम है इस दौरान फायर कितने हुए टू बी फायर वाइट द्री गन्स आफ्टर थर्टी मिनट्स थर्टी मिनट्स तक कितने फायर हुए तो so बाकी बचे कितने It is known that none of the guns fired any time before 12 p.m. 12 बजे के पहले कुछ भी फायर नहीं हुआ है तीनों गन फायर करना शुरू करते हैं थोड़ा शॉर्ट में देखें। गन ए गन बी और गन सी ये फायर कितने करते हैं 30 मिनट्स यानी 30 इंटू सिक्स जल्दी बताइए 30 इंटू सिक्सटी सेकेंड्स थर्टी इंटू सिक्सटी सेकेंड्स ठीक है तो गन ए का जहां तक सवाल है फाइव करके होता है ये थ्री करके होता है ये सेवन करके होता है लेकिन प्लस वन भी होता है जल्दी बताइए होगा कि नहीं पहला वाला फर्स्ट वाला अब आप मुझे बताइए इसको कैंसिल करेंगे आपको पता है जहां से भी बोलिए तो ये कितना हुआ 361 ये कितना हुआ 601. ये वाला ये चलिए बताइए तरीका जो पहले कर रहे ये बताता हूं देखिए ऐसा है बड़े नंबर को लेने से ज्यादा अच्छा रहता है बल्कि मैं तो कहता हूं मैं तो कहता हूं

इसका माने क्या हुआ टू निकला फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट यानी कि टू फिफ्टी एट ये टू यहाँ से निकला ना यहाँ से इसका माने क्या होता है इसका माने हुआ टू फिफ्टी सेवन प्लस वन ऐसे तो ये टोटल कितने हुए ये टू लेके इसको दे दीजिए सिक्सटी हो जाएगा बोलिए सिक्सटी हो गया वन ट्वेंटी हो गया और ये इलेवन और वन ट्वेंटी ट्वेल्व हंड्रेड देखिए ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी टोटल बचा कितना क्योंकि तो इतने फायर हुए उस दौरान जबकि टोटल फायरिंग है टोटल फायरिंग है देखिए एट हंड्रेड प्लस नाइन हंड्रेड प्लस ट्वेल्व हंड्रेड यानी टोटल फायर फायरिंग है ट्वेंटी नाइन हंड्रेड जल्दी बताइए है ना तो ये हुआ 2900 minus 1220 that means key 1680 Clear? none of these answer okay question number of bullets fired by gun a in 10 minutes is approximately नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड बाई गन बी इन फोर मिनट देखिए ऐसा ये है कि गन ए का जहां तक सवाल है और गन बी का जहां तक सवाल है गन ए टेन मिनट्स में यानी इतने सेकंड्स में फाइव के इंटरबल पर फायर करने के कारण इतना बुलेट फायर होता है और गन बी का जहां तक सवाल है फोर मिनट्स यानी इतने सेकंड्स में थ्री के हिसाब से इतना और शुरू में जो एक होता प्लस वन होगा कि नहीं बताइए इसका मतलब वन ट्वेंटी वन होगा ना यहां पर बोली और यहां पर एटी वन पूछा ये है कि इससे ये कितना परसेंट ज़्यादा है तो हम जानते हैं कि ये फोर्टी ज़्यादा है इसका मतलब होता है हंड्रेड परसेंट तो हम जानते हैं कि फोर्टी पॉइंट फाइव का मतलब हुआ फिफ्टी परसेंट इससे थोड़ा कम है पॉइंट एट का मतलब होता है ना वन परसेंट तो ये करीब 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 फोर्टी नाइन परसेंट आंसर जल्दी बताइए कितना भी क्लोज हो बहुत आसानी से आप उसको बता सकते हैं ठीक है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट हिट द टारगेट बाय गन डी देखिए बाय गन डी डी तो है एबीसी ही है इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट्स मतलब डी के बारे में है तो डी को यहाँ पर नोट कर लेते हैं भूल न जाए इज इक्वल टू जो कि हिट करता है इसका जो है हिट करता है ये भी नोट कर लेते हैं भाई हिट कितना करता है नंबर ऑफ बुलेट्स दैट हिट द टारगेट बाई गन बी मतलब देखिए 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 द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट हिट द टारगेट बाई गन डी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट हिट द टारगेट बाई गन बी तो बी के बराबर है तो बी हिट कितना करता है थ्री हंड्रेड ये भी थ्री हंड्रेड हिट करता है इक्वल टू बी दिया हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स फायर बाय गन डी टोटल नंबर क्या है टोटल नंबर ये कितना है इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ टोटल बुलेट्स फायर्ड बाय गन ए एन सी ए एन सी का जो है वन थाउजेंड है कि नहीं यानी एट हंड्रेड और ये ट्वेल्व हंड्रेड का जो एवरेज है दैट मीनस की वन थाउजेंड इसका मतलब मिस कितना हुआ जो मिस किया मिस्ड टारगेट वो कितना हुआ वन थाउजेंड माइनस थ्री हंड्रेड यानी सेवन हंड्रेड बताइए ठीक है और ये सिक्स नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन वट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड बाय गन सी दैट मिस्ड द टारगेट सी का जो मिस्ड हुआ है सी e का जो मिस्ड हुआ है वो क्या है सेवन फिफ्टी इस टू 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 द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड बाई गन ए का टोटल फायर्ड टोटल फायर्ड तो ये एट हंड्रेड है करने का तरीका होता है कि हम लोग इसको डबल कर देते हैं तो मजा आ जाता है देखिए ना अगर हम लोग डबल कर दें तो मजा आ जाए ये फिफ्टीन हंड्रेड ना हो जाए ये हंड्रेड ना हो जाए तो क्या फिफ्टीन इस टू तो सिक्सटीन नहीं हो जाएगा फिर से बताइए समझ में आया ओके okay? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा ओके ऑल द बेस्ट शुरुआत करते हैं आज के इस कैसलेट डीआई की इंग्लिश हिंदी दोनों में है और इसका पी आपको टेलीग्राम ग्रुप सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर मिल जाएगा वहाँ से डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में है सबसे पहले आप इंग्लिश में पूरे इन्फॉर्मेश को देखिए मैंने इसको ठीक से इस तरह से लिखा है कि जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसको एक बार देखेंगे फिर जो हिंदी मीडियम के हैं वो इसको एक बार देखेंगे ये पूरा इन्फॉर्मेशन है लेकिन आप जानते हैं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने करने हैं और उसके पहले जो इन्फॉर्मेशन हैं उनको एक जगह सजाना है एक तरह से डेटा को अरेंज करना है इसीलिए तो इसे कैसलेट डी कहते हैं और उसके लिए हम लोग दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से एक एक इन्फॉर्मेशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे अप्रोच क्या होगा तो अप्रोच का यहाँ तक सवाल है आप शुरू में ही थोड़ा सा एक लाइन पढ़ेंगे स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द्वेश्चन डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इंजीनियर थ्री कॉलेज ए बी सी इतना पढ़ के आपको क्या लगता है थ्री कॉलेज के संदर्भ में डेटा है तो थ्री कॉलेज या तो कॉलम में होंगे या फिर रो में होंगे ये स्ट्रक्चर तो पता चलता है लेकिन फिर कॉलेज ए कॉलेज बी कॉलेज सी और कॉलेज ए में रेशियो ऑफ मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स यानी समझ में आ गया कि डॉक्टर और इंजीनियर के बारे में जो कहा गया था अगर हम कॉलेज ए कॉलेज बी कॉलेज सी इस तरह से डेटा लेते हैं रो में तो इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स होंगे और मेल फीमेल होंगे इतना समझ में आने के बाद हम इन इन इंफॉर्मेशन को पढ़ते नहीं हैं टाइम वेस्ट नहीं करते सीधा सीधा चलते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसके मुताबिक हमारा ढांचा ऐसा बनेगा जल्दी बोलिए आपको ठीक ठीक चीजें साफ साफ समझ में आए इसलिए इस तरह से बनाया गया है ठीक है क्लियर तो इसको देखिए ये इंफॉर्मेश आपने देखे अब इसके आधार पर हम लोग एक एक करके फिल करेंगे कॉलेज ए के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन है रेशियो ऑफ मेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स इज ट्वेल्व टू फाइव तो कॉलेज ए के बारे में कहा जा रहा है क्या तो मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स ट्वेल्व इज टू फाइव है ठीक है एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज टू तो आपको पता है कि दिस इज ट्वेल्व दिस इज फाइव दिस इज डिफरेंस एंड टोटल सेवेंटीन जल्दी बोलिए माने बोलेंगे मेल डॉक्टर्स उसके बाद देखिए मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स मेल इंजीनियर्स मेल तो कहा ही जा रहा है डॉक्टर्स इंजीनियर्स मेल तो कहा ही जा रहा है उनका डिफरेंस और उनका सम ये कहा जा रहा है ठीक है ये कहा जा रहा है तो इसमें से कोई एक वैल्यू यस yes, टू इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है सेवन का मतलब टू एट्टी तो भाई ट्वेल्व का मतलब क्या ये क्या है इन टू फोर्टी है ना तो इन टू फोर्टी होगा फोर एट्टी ये टू हंड्रेड और यहां भी फोर्टी सिक्स एट्टी जल्दी बताइए तो मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स तो हमारे कॉलम में, में मेल फीमेल डॉक्टर का है मेल फीमेल इंजीनियर का है तो यहां पर इस टोटल का अभी हमको जरूरत नहीं तो एक बात होता तय है कि जो इंफॉर्मेश आए हैं उसके मुताबिक मेल डॉक्टर्स ए में मेल डॉक्टर्स कितने हैं और एक थी इसको हमने लिखा और मेल इंजीनियर्स कितने हैं टू हंड्रेड इसको हमने लिखा जल्दी बताइए ये तो फिल करेंगे ये तो क्लियर आगे टोटल नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स थ्री हंड्रेड देखिए फीमेल अगर हम यहाँ बात करते हैं मेल के बारे में ऊपर चर्चा थी फीमेल्स के बारे में नीचे चर्चा है कि डॉक्टर इंजीनियर्स देखिए डॉक्टर एंड इंजीनियर्स इनका जो सम है वो क्या है थ्री हंड्रेड इसी में ए में बात हो रही है ए के बारे में बात हो रही है ये तो तय तो एक बात तय है इस टोटल का सम जो है सिक्स एट्टी है इस टोटल का जो सम है थ्री हंड्रेड देखिए मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स तो सिक्स एट्टी और थ्री हंड्रेड नाइन एट्टी तो हम तुरंत लिख सकते हैं टोटल सम तो यहां पर नाइन एट्टी है ये हमें पता है ये समझे ना ये ये टोटल सिक्स एट्टी और फीमेल जो दोनों है उनका थ्री हंड्रेड तो हम तुरंत लिख सकते हैं सिक्स एट्टी और थ्री हंड्रेड नाइन एट्टी ठीक है इसके बाद देखिए नंबर ऑफ मेल इंजीनियर्स इज थर्टी मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर्स देखिए इंजीनियर्स हैं इसमें मेल इंजीनियर्स जो हैं फीमेल इंजीनियर से थर्टी ज्यादा हैं तो ये वन सेवनटी हुए जल्दी बताइए ठीक है इसको हम बोल सकते हैं कि ये वन सेवनटी हुए और अगर ये 170 है टोटल 300 था फीमेल का यहाँ पर तो हम इसे लिखेंगे 130। हम ये भी लिखेंगे कि ये वाला दोनों का सम कितना होगा 120 से दे दीजिए 610। हंड्रेड यहां पर क्या होगा 370। ये हमारा पहला इंफॉर्मेशन है जो कॉलेज ए के बारे में कहा गया और उसको हमने नोट किया इतने इन्फॉर्मेशन हमें पता हैं क्लियर आगे बढ़े अब वो इंफॉर्मेशन यहां लिखे हुए ठीक है ओके कॉलेज बी के बारे में जो जो कहा जा रहा है उसको देखेंगे सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स किसमें कॉलेज बी में हा मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स ज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स इन कॉलेज ये तो थ्री हंड्रेड दिया बता रहा फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड जल्दी बोलिए तो बी में देखिए बी में बी में जो मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स है मेल डॉक्टर्स प्लस इंजीनियर इसका जो सम है वो उसके बराबर है यानी थ्री हंड्रेड के बराबर जल्दी ये कहा जा रहा रेशियो ऑफ द मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स टूगेदर दिस एंड फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स टूगेदर तो देखिए बी में ही फीमेल डॉक्टर्स प्लस इंजीनियर टूगेदर ये रेशियो है सिक्स टू सेवन जैसे सिक्स जैसे सेवन तो टोटल थर्टीन जल्दी बताइए तो ये क्या होगा ये क्या होगा इधर से गौर कीजिए ये जो है इन टू फिफ्टी है तो इधर से भी इन टू फिफ्टी होगा इधर से भी इन टू फिफ्टी होगा यानी कि ये थ्री फिफ्टी होगा इधर से 650 होगा जल्दी बताइए यानी मेल डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स और ये तो एक बात तय है कि टोटल 650 होगा ये बात तय है इससे ये तो प्रूव हो जा रहा है कि बी में ये टोटल सम यानी चारों का ये जो आता है ये 650 है ये तो तय हो जा रहा है जल्दी बोलिए ये तय हो जा रहा है लेकिन ग्रुपिंग अलग तरह से डॉक्टर इंजीनियर का है मेल डॉक्टर इंजीनियर का फीमेल है यानी हमें अभी इंफॉर्मेशन और चाहिए ठीक है क्लियर रेशियो फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स इज टू इज थ्री फीमेल डॉक्टर्स इंजीनियर्स यानी कि फीमेल में डॉक्टर देखिए फीमेल में डॉक्टर यानी कि फीमेल में डॉक्टर इसे अगर टू कहें इसे थ्री कहें तो फाइव टोटल होता है यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसे हम फाइव कहेंगे फाइव का मतलब थ्री फिफ्टी देखिए ये क्या है फाइव का मतलब थ्री फिफ्टी तो इंटू सेवेंटी तो ये भी हुआ इंटू सेवेंटी ये भी हुआ इंटू सेवेंटी जल्दी बताइए यानी ये 140 और ये 210 ये इंफॉर्मेशन तो लिखेंगे बी में गौर कीजिए बी में फीमेल डॉक्टर 140 फोर्टी दिस इज वन और बी में ही फीमेल इंजीनियर 210 यानी कि दिस इज 210 जल्दी बताइए ये है कि नहीं इतना पता चलता है कि नहीं जितना हमने पढ़ा उसके आधार पर ठीक है लेकिन अभी और चीजें नहीं आ रही आगे नंबर ऑफ मेल डॉक्टर्स इन कॉलेज बी यानी कि मेल डॉक्टर ये वाला दिस इज वन थर्ड ऑफ द नंबर ऑफ मेल इंजीनियर्स इन कॉलेज सी सी का तो अभी तक दिया नहीं सी तो यहां है आगे मिलेगा तो सी में जो मेल इंजीनियर्स है ये वाला मेल इंजीनियर्स है ये वाला इसका वन थर्ड है तो हम इसे थ्री एक्स मान लेते हैं ताकि ये एक्स हो जाए जल्दी बताइए बोलेंगे इसको थ्री एक्स मानते हैं ताकि ये एक्स हो जाए जल्दी बताइए बोलेंगे कि नहीं ठीक है इसके बाद देखिए आगे हमें जाना पड़ेगा थर्ड कॉलेज सी लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेश्स आए हैं इसको तो हम लोग नोट कर लें अभी जो इन्फॉर्मेश आए हैं ये x है ये 140 देखिए ये x है ये 140 है हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ था हम लोगों ने क्या क्या निकाला था मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स 300 हंड्रेड है देखिए मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स 300 हंड्रेड है यानी कि दिस इज 300 हंड्रेड माइनस एक्स होगा ना मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स इसको बोलेंगे x प्लस इन दोनों को बोलेंगे फाइव हंड्रेड टेन माइनस जल्दी बताइए जितना इंफॉर्मेशन कॉलेज बी के बारे में दिया है उसके मुताबिक हम इतना लिख सकते हैं जल्दी बताइए लिख सकते हैं कि नहीं जल्दी बताइए ठीक है क्लियर अब देखिए चलते हैं अगले पेज में और ये इंफॉर्मेश इतना रहेंगे हमारे पास ठीक है कॉलेज सी में क्या क्या कहा जा रहा है वो देख लीजिए नंबर ऑफ मेल इंजीनियर्स इज 1.5 पॉइंट फाइव द नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स रुकी रुकी रुकिए फीमेल डॉक्टर्स फीमेल डॉक्टर्स नंबर ऑफ मेल इंजीनियर्स मेल इंजीनियर्स थ्री एक्स जो है वो नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स का 1.5 टाइम्स है 1.5 का डबल तो ये भी डबल यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये 2x है जल्दी बताइए दिस इज 2x होगा ये 2x है और इसका 1.5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स engineers is 550. फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स ये कह रहा है 550. हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2x है तो 550 minus 2X, एक तरीका ये. दूसरा नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर्स इज 70 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर यानी हम यहां पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं देखिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि फीमेल डॉक्टर्स प्लस इंजीनियर्स गौर कीजिए इसका सम है फाइव फिफ्टी एक बात और फीमेल इंजीनियर्स जो है वो सेवेंटी मोर है फीमेल इंजीनियर्स जो है माइनस डॉक्टर इज इक्वल टू सेवेंटी तो हम लोग जानते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका इंजीनियर जो है इनको पहले क्या कीजिए सेवेंटी दे दीजिए वैसे तो एक्स प्लस वाई इतना X y पर वैसे चाहता नहीं 70 इसके पास ज्यादा थे, थे तो बाकी क्या बचा बाकी क्या फोर एट्टी इसका हाफ टू फोर्टी इसको दिया और टू फोर्टी इसको दिया ये थ्री हंड्रेड टेन और ये कितना हुआ टू फोर्टी जल्दी बताइए फीमेल इंजीनियर्स सी में सी में गौर कीजिए सी में फीमेल इंजीनियर्स 310 दिस इज 310 फीमेल इंजीनियर्स और सी में फीमेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर 240 फोर्टी हैं यानी कि दिस टू एक्स दिस टू फोर्टी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं अभी आगे पढ़ना हमें बाकी है लेकिन आप बताइए मुझे अगर ये टू फोर्टी है टू एक्स का मतलब टू फोर्टी है तो इसका मान क्या हुआ एक्स इक्वल्स वन ट्वेंटी तो ये ये वैल्यू आया वन ट्वेंटी ये वैल्यू आया टू सिक्सटी वन ट्वेंटी लेस कीजिए वन एटी वन ट्वेंटी है तो थ्री सिक्सटी ये वाला हुआ सिक्स हंड्रेड टेन वन ट्वेंटी लेस कीजिए तो थ्री नाइन्टी जल्दी बोलिए कि नहीं थ्री नाइन्टी इसका वैल्यू यहाँ पर बात करें तो टोटल में उसके बाद ये 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 वाला वैल्यू ये जो वैल्यू है ये तो सिक्स सेवनटी वन ठीक है अभी तक जितना हमने निकाला है इसके इसके मुताबिक उसके बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स सेवन सिक्सटी मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स ये अगर सेवन सिक्सटी है तो सेवन सिक्सटी माइनस थ्री सिक्सटी यानी फोर हंड्रेड यानी कहने का मतलब ये जो है ये फोर हंड्रेड है जल्दी बोलिए क्योंकि सम जो इतना है तो इसका मतलब हुआ कि ये सिक्स फोर्टी हुआ जल्दी बताइए इसका मतलब फोर्टीन हंड्रेड टेन हुआ होगा ना ये सिक्स फोर्टी और ये सिक्स सेवेंटी तो सिक्स और सॉरी थर्टीन हंड्रेड टेन हुआ ठीक है सिक्स सेवेंटी और सिक्स फोर्टी थर्टीन हंड्रेड टेन हुआ ये टोटल हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते तो चलिए लिख ही देते हैं कहीं ना कहीं मदद ही करेगा तो ये वैल्यू अगर हम टोटल लिखते हैं तो ये क्या होगा सिक्स फोर वन थाउजेंड ये वैल्यू लिखते हैं तो देखिए ये थ्री एट्टी और वन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और टेन फाइव हंड्रेड टेन फिफ्टीन हंड्रेड टेन उसी तरह से इसको देखिए ये वाला ट्वेंटी इसे दे दीजिए फाइव हंड्रेड फोर्टी टू सेवन हंड्रेड फोर्टी ठीक है इधर इसका वैल्यू देखिए ये सिक्स हंड्रेड नाइन्टी होगा ना ये सिक्स नाइन्टी जल्दी बताइए फोर्टीन हंड्रेड फर्टी और ये सम चाहे तो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं ट्वेंटी नाइन हंड्रेड फोर्टी इसको इधर से भी कर सकते हैं इधर से भी कर सकते हैं देखिए इधर से करना हो तो इसका टेन इसे दे दीजिए टेन इसे दे दीजिए फोर्टी बच जाए बच जाएगा थर्टीन सिक्स नाइनटीन और टेन ट्वेंटी नाइन हंड्रेड क्लियर ये हमारा जो इन्फॉर्मेशन था जो कि कैसलेट डीआई में होता है उसको हम अरेंज करते हैं यानी कुल मिलाकर के ये बातें आती हैं जो हमने लिखी है और ये इन्फॉर्मेशंस आया तबों को करने के बाद और इसी को लेकर के चलेंगे पहला सवाल वट इज द रेशियो ऑफ देखिए वट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स टुगेदर इन कॉलेज बी बी में कॉलेज बी में बात हो रही है मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स तो ये तुम लोग लिखे हुए 260 टू सिक्सटी टू मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स टू दैट इन कॉलेज सी इसी का सिक्स फोर्टी और ये सी किसके बारे में हो रही है मेल प्लस फीमेल डॉक्टर्स ये यानी कहने का मतलब कहने का मतलब थर्टीन इस टू थर्टी टू ठीक है क्लियर अगला सवाल सेकंड नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंजीनियर्स इन कॉलेज ए बी एंड सी टुगेदर ऐड करने का फायदा देखिए मेल एंड फीमेल दोनों इंजीनियर्स यानी मेल और फीमेल दोनों इंजीनियर्स यहां हैं और उनका सम सम कितना है देखिए टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंजीनियर्स इन कॉलेज ए बी सी तीनों मिलाकर के मेल एंड फीमेल इंजीनियर्स का मतलब क्या हुआ थर्टी यानी कि आंसर से आया अगर हम लोग यहां सम नहीं करते तो फिर करते कि भाई ये जो आया है अगर नहीं करते तो बोलते थ्री सेवेंटी प्लस थ्री क्योंकि इसे तो करते ही एंड सिक्स सेवेंटी तो हम ऐसे करते हैं लेकिन हमने सम किया तो उसका बेनिफिट है नंबर क्वेश्चन इन अनदर कॉलेज डी हमारे पास एबीसी कॉलेज के बारे में बात हो रही है तो डी के बारे में फिर दिए होंगे डी में बात हो रही है डी में टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इज सिक्स फोर्टी ठीक है फीमेल्स जो है वो फीमेल्स जो है वो सिक्स okay? फोर्टी है ओके इसमें फीमेल्स सिक्स फोर्टी है आउट ऑफ विच ट्वेंटी फाइव परसेंट आर डॉक्टर्स तो ट्वेंटी फाइव परसेंट का मतलब हुआ वन सिक्सटी ये डॉक्टर्स हैं फीमेल डॉक्टर्स और बाकी अगर हम बात करें निकालना चाहें तो फोर एट्टी हो गए फीमेल में ये डॉक्टर ये इंजीनियर जरूरी नहीं कि हम लिखें लेकिन अभी हमें पता है नहीं कि आगे क्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंड नंबर ऑफ मेल डॉक्टर्स इन कॉलेज तो भाई मेल जो है मेल जो है उसमें डॉक्टर होंगे इंजीनियर होंगे तो भाई डॉक्टर के बारे में कहा जा रहा है कि ट्वेल्व एंड हाफ परसेंट मोर देन दैट इन कॉलेज सी कॉलेज सी में जो मेल डॉक्टर्स हैं फोर हंड्रेड तो देखिए जो फोर हंड्रेड है इससे ट्वेल्व एंड हाफ परसेंट ज्यादा वन एट यानी फिफ्टी ज्यादा यानी कि ये फोर फिफ्टी है ठीक पूछा क्या है वट इज द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन कॉलेज डी यानी इंजीनियर के बारे में चाहिए नहीं हमको हमसे पूछा गया दिस एंड दिस यानी यानी ये हमें नहीं चाहिए ठीक है यानी वन सिक्सटी प्लस फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड एट्टी ये डॉक्टर चाहिए ना हमें ये फोर हंड्रेड फिफ्टी ये वाला यानी ये कितना हुआ सिक्स हंड्रेड टेन ठीक है क्लियर फोर्थ नंबर एवरेज नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स इन कॉलेजेस ए बी एन सी इज एवरेज तो निकालने का तरीका अलग होता है लेकिन जब हमें सम मालूम है फीमेल डॉक्टर्स का सम मालूम है तो फिर हम कुछ भी और क्यों करें तो हम ऐसे क्यों ना करें नहीं मालूम रहता तो एक अलग बात तो अलग बात है तब हम लोग गड्ढा डंडा और डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट उनका इस्तेमाल करते लेकिन यहां जरूरत नहीं है फिफ्थ नंबर कौन क्वेश्चन फीमेल डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स टुगेदर इन कॉलेज सी देखिए फीमेल डॉक्टर्स एंड इंजीनियर इन टूगेदर इन कॉलेज सी तो फीमेल डॉक्टर्स एंड इंजीनियर का मतलब टू फोर्टी प्लस थ्री हंड्रेड टेन टू फोर्टी प्लस थ्री हंड्रेड टेन इसके बारे में कहा जा रहा है दैट मीनस की फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी के बारे में कहा जा रहा है इज अप्रोक्सीमेटली वर्क पर्सन लेस देन टोटल मेल डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स टुगेदर कॉलेज ए मेल डॉक्टर्स फोर एट्टी एंड टू 480 फोर 200. प्लस 200 यानी कि ये कितना हुआ 680. इसका ये कितना परसेंट इससे ज्यादा या कम है तो ये 130 है 130 मींस व्हाट परसेंट जबकि इसका मतलब 100 परसेंट होता है लेकिन एक बात मुझे बताइए एक बात मुझे बताइए कि सिक्सटी एट इधर देखिए हम लोग आसानी से बता सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली है कि सिक्सटी एट का मतलब क्या है टेन परसेंट सिक्स पॉइंट एट का मतलब क्या है वन परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट वन थर्टी सिक्स का मतलब ट्वेंटी परसेंट आप मुझे बताइए इसका जो डिफरेंस है डिफरेंस है ये डिफरेंस है ये करीब 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 नाइनटीन परसेंट हुआ कि नहीं 136 से 6 लेस है करीब करीब 1 परसेंट लेस है हुआ कि नहीं बिना लिखे ये कर सकते हैं कि नहीं और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर कभी कभी सिक्स क्वेश्चन भी होते हैं कभी फोर भी होते हैं लेकिन जनरली फाइव होता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल इंजीनियर्स इन कॉलेज बी कॉलेज बी में मेल इंजीनियर्स हैं वन हमें डिफरेंस निकालना है यानी कि 180 और फीमेल इंजीनियर्स इन द सेम कॉलेज फीमेल इंजीनियर्स देखिए 210 इसका जो डिफरेंस है यानी कि 30 आंसर बोले क्लियर मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा ओके ऑल द बेस्ट